नमस्कार, टीस्टेक में आप सभी का स्वागत है। और आज की यह स्पेशल क्लास है। स्पेशल क्लास में हम स्पेशल चीज़ पढ़ने वाले हैं। और वो स्पेशल चीज़ क्या है, तो मेरे ख्याल से आपने टाइटल से समझ ही लिया होगा कि आज की इस क्लास में हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने वाले हैं। ट्रिग्नोमेट्री यानी कि त्रिकोणमिति। बहुत सारे बच्चों के मैसेज पड़े हुए, कमेंट्स पड़े हुए। बच्चों का मानना ये है कि सर, ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले याद नहीं रहते। कई बार हमें फार्मूले याद भी होते तो उसका उपयोग कैसे किया जाए ये बातें हमें पता नहीं चलती है ना। दैनिक जीवन में इसका क्या उपयोग है, इस पर भी हम डिस्कशन करेंगे। आज के इस क्लास में हम बेसिक के साथ साथ में फार्मूलों पर डिस्कशन करेंगे। फार्मूले किस प्रकार से बने हैं इस पर डिस्कशन करेंगे। फार्मूलों का उपयोग कैसे करना है, इनको याद कैसे करना है, और दैनिक जीवन में हम किस प्रकार से इसका उपयोग किया जा सकता, तो ये बातें आपको लाइफ टाइम याद रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये प्रतियोगी परीक्षाओं में भी काम आता है और हमारे दैनिक जीवन में भी इसका काफ़ी ज़्यादा उपयोग है। कैसे उपयोग है, थोड़ा सा एक उदाहरण के द्वारा हम यहाँ पर समझते हैं। मान लिया जाए कि मेरे पास में बिजली का खंभा है। इसकी खासियत क्या है, ये जमीन पर ऊर्ध्वाधर खड़ा है। ऊर्ध्वाधर मतलब लंबवत, लंबवत मतलब परपेंडिकुलर, यानी कि जमीन के साथ में इसने क्या किया, 90 अंश का कोण बनाया है। आप यहाँ पर भी देख पा रहे होंगे कि एक बड़ा सा विशाल एक लंबा पेड़ दिखाई दे रहा, और ये भी जमीन के साथ में लगभग 90 अंश का कोण बनाया हुआ है, यानी कि ऊर्ध्वाधर है। आप यहाँ पर देख रहे हैं कि कुतुब मीनार भी लगभग थोड़ी सी झुकी हुई जरूर है, लेकिन हम मान सकते हैं कि कुतुब मीनार भी क्या है, लंबवत है। तो कोई भवन भी अगर है तो लंबवत है। कहने का मतलब हमारे जीवन में ज़्यादातर चीज़ें आपको लंबवत ही दिखाई देती है, और लंबवत होने के कारण ही त्रिकोणमिति का ज़्यादा उपयोग किया जाता है। मैं एक उदाहरण के द्वारा यहाँ पर स्पष्ट करूँगा। मान लिया जाए कि एक टावर है, एक बड़ा सा विशाल लंबी गगनचुम्बी इमारत है। मान लिया जाए ये बड़ी फेमस है, और आपकी इच्छा हुई, आपके पेरेंट्स की इच्छा हुई, और आप पूरा सह परिवार इस इमारत को देखने गए। एक उदाहरण के द्वारा यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। आपने जब इस इमारत को देखा तो यहाँ पर खड़े होके देखा, और इमारत की चोटी को जब देखा तो इमारत की चोटी के साथ में इस प्रकार से यहाँ पर एक कोण बन रहा। इमारत की चोटी को आपने देखा तो आपकी दृष्टि रेखा कहाँ से गई, यहाँ से गई। फिर से और एक बार, एक बड़ी ऊँची सी इमारत है, और इस इमारत से ये जमीन है, ये क्या धरातल है। आपने क्या किया, धरातल से कुछ दूरी पर आप और आपके पेरेंट्स यहाँ पर खड़े हैं, और आप सभी लोग इमारत को देख रहे हैं। एक बच्चा बोलता है इसमें से कि पापा, मैं क्या है इस इमारत की ऊंचाई बता सकता हूँ यहीं पर खड़े खड़े। बच्चा बोलता है कि मैं यहीं पर खड़े खड़े इस इमारत की ऊंचाई बता सकता हूँ, और वो क्लास 10th पास है बच्चा। तो क्या ये पॉसिबल है क्या? हाँ, ये पॉसिबल है। वास्तव में ये बच्चा इस इमारत की यहीं पर खड़े खड़े इसकी ऊंचाई बता सकता है। ये पावर है ट्रिग्नोमेट्री का, और आप भी बता पाएंगे अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री अच्छे से आती है। वो कैसे बता पाएगा, बच्चे को मालूम है कि ये इस इमारत से मैं कितने दूरी पर खड़ा हूँ, और ये जब मैं इसकी चोटी को देख रहा हूँ तो यहाँ पर जो कोण बन रहा वो कितने अंश का कोण बन रहा। तो आपके मन में एक विचार आ रहा होगा कि हाँ, ये बात तो बिल्कुल सही है कि बच्चा यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी को माप सकता है, लेकिन ये वाला जो कोण है वो कोण की माप कैसे पता कर सकता है। तो बिल्कुल पता कर सकता, हम त्रिकोणमिति जब पढ़ते जा रहे तो इसमें मैं ये भी बात आपको बताऊंगा। और आपको मालूम होना चाहिए कि यहाँ पर क्या एक समकोण त्रिभुज का निर्माण हो रहा है। देखिए, ये इमारत की ऊंचाई है, ये उसका आधार है, और ये क्या है, इसका कर्ण है। समकोण त्रिभुज बन रहा, और समकोण त्रिभुज में अगर आपको एक कोण की माप और एक भुजा की माप अगर मालूम है तो आप इसकी ऊंचाई भी बता सकते, ये दृष्टि रेखा ये वाली भी लंबाई बता सकते, कुछ भी बता सकते, ये यहाँ पर कितने अंश का कोण बन रहा है ये भी बता सकते। और वो कैसे बताएंगे, ये सारी बातें हम आज के इस क्लास में समझने वाले हैं।
और इसी के आधार पर इसके जो सूत्र बने हुए हैं वो कैसे बने, इनको कैसे याद रखना है, ये सारी बातों पर आज हम यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं। थोड़ा सा वीडियो लंबा जाने वाला है, ठीक है, चलिए। ओवरऑल हमने अभी तक ये देखा कि यहाँ पर क्या हो रहा है, एक समकोण त्रिभुज का निर्माण हो रहा, समकोण त्रिभुज बनते हुए नजर आ रहा, समकोण त्रिभुज बनते हुए नजर आ रहा, जितने भी एग्जाम्पल देखे हमने उसमें। समकोण त्रिभुज का मैं नाम भी दे देता हूँ, इसका नाम मान लिया जाए कि ये है और ये क्या है, बी है और ये सी है, इसके शीर्षों के नाम मैंने यहाँ पर दे दिए। एक कोण इसका 90 अंश का है तो 90 अंश दे दिया। मुझे एक बात बताइए कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है? तो आप बोलेंगे कि तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 अंश होता है। बिल्कुल सही बात है। और जब ए वाला कोण 90 अंश का है तो मैं इसमें से 90 अंश को माइनस कर देता हूँ यानी कि घटा देता हूँ तो हमारे पास में 90 डिग्री बचेगा। इसका मतलब ये हुआ कि इस कोण की माप और इस कोण की माप दोनों कोणों का योगफल कितना होगा, तो आपसे अगर पूछूंगा तो आप तुरंत बता देंगे कि तीनों कोणों का योगफल 180 अंश और अगर एक ही कोण अगर 90 अंश का है तो ये दोनों कोणों का योगफल कितना होगा, तो आप बता देंगे कि दोनों कोणों का योगफल 90 अंश होगा, ये बात आप बता सकते हैं। चलिए ठीक है, मतलब आपको ये बात पता चल गई कि दोनों कोणों का योगफल 90 अंश है। अगर मैं ये कोण की माप अगर पता चल जाए मुझे तो क्या इस कोण की माप पता चल जाएगी? हाँ चल जाएगी। भाई दोनों कोणों का योगफल 90 अंश है, अगर ये कोण 60 अंश का है तो वो जो ऊपर वाला कोण कितना होगा, 30 अंश का होगा। अगर मान लिया जाए ये वाला कोण 45 अंश का है तो ये ऊपर वाला भी कोण कितना होगा, 45 अंश का होगा। इतनी तो बात स्पष्ट हो गई, मतलब हमारे पास में इस समकोण त्रिभुज में जो ज्ञात नहीं है वो क्या है, ये दोनों में से एक कोण। अगर एक कोण पता चल जाएगा तो दूसरा कोण ऑटोमेटिक पता चल जाएगा, तो एक कोण की बात है। चलो ठीक है, एक कोण हमें नहीं मालूम। इसमें भुजाएं कितनी है, 1 2 3, तीन भुजाएं जिसके मान हमें नहीं मालूम, जिसके मान हमें नहीं मालूम, तो टोटल कितना हो गया, कुल मिला के 4 चीज़ें ऐसी है जिसके मान हमें नहीं मालूम। न तो इस भुजा की लंबाई मालूम है, न तो इसकी लंबाई मालूम है, न तो इस भुजा की लंबाई मालूम है, न तो ये कोण मालूम है। अगर ये कोण पता चल जाता तो ये भी कोण पता चल जाता। तो ऐसी 4 चीज़ें हैं जो नहीं मालूम, 475 ईसा ईस्वी में एक भारतीय गणितज्ञ हुआ करते थे जिनका नाम है आर्यभट्ट, जिनका नाम है आर्यभट्ट। ये आर्यभट्ट ने उस समय में ये बात को सोच लिया था जिस बात पर अभी हम डिस्कशन कर रहे हैं। उन्होंने देखा था कि भाई ये 4 चीज़ों में से, 4 में से अगर हमें कोई भी 2 मान अगर पता चल जाए ना तो हम बाकी के 2 मान निकाल सकते हैं। अगर ये कोण का मान पता चल जाए और एक कोई भी भुजा पता चल जाए तो बाकी की भुजा ज्ञात कर सकते हैं। जो मैंने टावर वाला एग्जाम्पल दिया था, मैंने क्या बोला था कि ये भुजा पता चल गई, भाई ये जो टावर है इनसे कितने दूरी पर है और ये कोण कैसे ज्ञात किया जाता मैं अभी बताऊंगा थोड़ी देर बाद। तो 2 चीज़ें पता चल गई तो आप टावर की ऊंचाई भी बता सकते हैं और ये भी बता सकते हैं। तो बच्चे ने कहा झूठ बोला था, नहीं वो बता सकता था, वास्तव में बता सकता था, और वो बताएगा कैसे बताएगा उस पर अभी हम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। आर्यभट्ट जी ने ये देखा कि यहाँ पर क्या हो रहा, समकोण त्रिभुज बन रहा, और ज़्यादातर दुनिया में समकोण त्रिभुज की ही बात की जाती है, ज़्यादातर समकोण त्रिभुज ही बन रहा, कोई अगर बिल्डिंग भी खड़ी है वहाँ पर भी समकोण त्रिभुज बन रहा। तो आर्यभट्ट ने ये देखा कि इनकी भुजाओं का कुछ एक निश्चित अनुपात होना चाहिए, जैसे कितनी भुजा है यहाँ पर, एक भुजा, ये दूसरी भुजा और तीसरी भुजा,
इन भुजाओं के बीच में कुछ अनुपात होना चाहिए, यानी कि कुछ संबंध होना चाहिए। ऐसा किसने सोचा? आर्यभट्ट ने सोचा। तो कितने संबंध होना चाहिए? तो थोड़ा सा एक उदाहरण के तौर पर हम समझते हैं। मान लिया जाए कि एक परिवार है और एक परिवार में पिताजी रहते हैं, एक परिवार में एक पिता है और माता है और उनका एक बालक है, बच्चा है। एक क्या है? बालक है इनका। एक परिवार है और उस परिवार में तीन सदस्य रहते हैं। इस परिवार में इन तीनों सदस्यों के बीच में कितने संबंध हो सकते हैं? कितने संबंध हो सकते हैं, सोचिए जरा आप। तो मुझे एक बात बताइए कि इसका ये कौन है? तो पुत्र है। और ये पुत्र का ये कौन है? तो पिता है। इसकी ये कौन है? माता है। और इसका ये कौन है? पुत्र है। कितने संबंध हो गए? चार संबंध हुए कि नहीं हुए? इसके ये पिता, इसका ये पुत्र, इसकी ये माता, इसका ये पुत्र, इधर से दो संबंध हो गए, दो संबंध इधर से हो गए। और सेम इसी प्रकार से इसकी ये कौन है? पत्नी है। और इसके ये कौन है? पति है। कितने संबंध हुए तीन लोगों के बीच में? छह संबंध हुए। तो आर्यभट्ट ने यही कांसेप्ट यहाँ पर भी समकोण त्रिभुज में भी यूज किया। आर्यभट्ट जी ने बोला कि भाई तीन भुजा है तो तीन भुजाओं के बीच में कुछ संबंध होना चाहिए, तो इसका इससे एक कोई संबंध होगा और इसका भी इससे कोई एक संबंध होगा, इसका इस भुजा का इससे एक संबंध होगा तो इसका भी इससे एक संबंध होगा, इसका इससे एक संबंध होगा तो इसका भी इस भुजा से संबंध होगा। ऐसे ही छह संबंध यानी कि छह अनुपात यहाँ पर भी होंगे, ऐसा आर्यभट्ट जी ने सोचा। अब देखिए आगे क्या हुआ। आर्यभट्ट जी ने बोला कि भाई यहाँ पर परिवार है, परिवारों के बीच में संबंध है और इस संबंध का नाम क्या दिया? पुत्र नाम दिया। और इस संबंध का नाम क्या दिया? पिता नाम दिया। इस संबंध का नाम पत्नी दिया और इस संबंध का नाम पति दिया। इस संबंध का नाम माता दिया और इसका संबंध का नाम बालक दिया। ऐसे संबंध के नाम है कि नहीं? तो आर्यभट्ट जी ने बोला कि इन संबंधों के भी कुछ न कुछ नाम होना चाहिए। और आर्यभट्ट जी ने सबसे पहले पहला जो संबंध दिया उस संबंध का नाम दिया अर्धजा, अर्धजा या जीवा। और इसका धीरे धीरे नाम अरबी में नाम दिया था और अर्ध इसका धीरे धीरे नाम हो गया अर्धजा। और फिर कुछ समय के रहते अर्ध भी इससे हटा दिया गया और इसका नाम दिया गया ज्या। क्या नाम दिया गया? ज्या। ज्या मतलब इस भुजा का इस भुजा से संबंध, इस भुजा का इस भुजा से संबंध दिया और इस संबंध का नाम दिया ज्या। और फिर जब इसको ट्रांसलेट किया गया तो ट्रांसलेट करने के बाद में इसका नाम दे दिया गया साइन। क्या नाम दे दिया गया? साइन नाम दे दिया गया। तो देखिए सबसे पहले नाम दिया गया ज्या और ज्या को जब ट्रांसलेट किया गया तो इसका नाम दे दिया गया साइन। अब आर्यभट्ट जी ने बोला कि जब यहां पर ये सदस्य है तो सदस्यों के कुछ नाम होना चाहिए। अब नाम कैसे होना चाहिए? तो हमें ये देखना पड़ेगा कि भाई ये समकोण त्रिभुज में ये 90 अंश का कोण तो है ना, फिक्स कोण है, इसमें तो कोई परिवर्तन नहीं है। परिवर्तन होता है ये दोनों कोणों में, इसमें परिवर्तन होगा तो इसमें भी परिवर्तन होगा, ये तो फिक्स है 90 अंश का कोण है, समकोण त्रिभुज है तो 90 अंश का कोण तो रहेगा ही रहेगा। अब इन दोनों कोणों में से आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि किस कोण के सापेक्ष आप ये संबंध स्थापित करना चाहते हैं। कहने का मतलब जब ये कोई परिवार है, परिवार में कोई एक मुखिया होता है, तो इसी प्रकार से इस संबंध में भी इस परिवार में भी एक को मुखिया बनाना पड़ेगा। और मान लिया जाए कि मैंने इसको मुखिया बना दिया तो मुखिया के सामने वाली जो भुजा होगी, मतलब जो ये थीटा है, थीटा के सामने वाली जो भुजा होगी उसको क्या नाम दिया जाए?
तो उन्होंने नाम दिया सम्मुख भुजा, सम्मुख भुजा। और नाम से ही क्लियर है, नाम से ही क्लियर है यहां पर भाई, ये मुखिया है ना, तो मुखिया के सामने कौन, सामने मतलब सम्मुख, सामने मतलब सम्मुख। और जो 90 अंश और ये जो 90 अंश है और थीटा है, इसके बीच की जो भुजा है, ये वाली भुजा, इस भुजा का नाम दिया इन्होंने आधार। क्या नाम दिया? आसन्न भुजा नाम दिया, पहले आसन्न भुजा, आसन्न भुजा। आसन्न भुजा क्या भाई, क्लियर समझ में आ रहा कि 90 अंश और थीटा के बीच की जो भुजा है, ऐसा लग रहा कि त्रिभुज पूरा का पूरा इसी आसन पर बैठा हुआ है। तो इसी आधार पर इन्होंने क्या दिया, इसका नाम आसन्न भुजा नाम दिया। और समय के चलते इस आसन्न भुजा को धीरे धीरे फिर आधार बोलने लगे, आसन्न भुजा, या फिर इसका नाम, दूसरा नाम आधार पड़ गया, और जिसको अंग्रेजी में बेस बोला जाता है, बेस, जिसको इंग्लिश में क्या बोला जाता है, बेस बोला जाता है। इसी प्रकार इसके सामने वाली जो सम्मुख भुजा है, सम्मुख भुजा का भी फिर धीरे धीरे आगे चल के एक नाम हो गया, जिसका नाम दे दिया लंब, और लंब को बोला जाता है परपेंडिकुलर। क्या बोल दिया जाता है? परपेंडिकुलर। और इस समकोण त्रिभुज की जो सबसे बड़ी भुजा है, सबसे बड़ी, सबसे बड़ी मतलब इसका नाम दे दिया कर्ण, और एक ही नाम दिया और इसका नाम कोई परिवर्तन नहीं हुआ, और कर्ण का कर्ण ही रहा, जिसको इंग्लिश में हाइपोटेन्यूस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हाइपोटेन्यूस। तो ये बातें समझ में आ गई। जो भी थीटा रहेगा, थीटा के सामने वाली भुजा लंब कहलाएगी, और थीटा और 90 के बीच की भुजा आधार कहलाएगी, और इस त्रिभुज की सबसे बड़ी जो भुजा होती है, यानी कि 90 अंश के सामने वाली भुजा होती है, ये 90 अंश के सामने वाली भुजा, इसको क्या बोला गया? कर्ण कहा गया। चलिए ठीक है। जब आर्यभट्ट जी ने ये कहा कि ये जो साइन है, SINE साइन, इसका मुखिया कौन है, यानी कि किस कोण के लिए हम इसका मान ज्ञात कर रहे हैं, तो इस थीटा कोण के लिए ज्ञात कर रहे हैं, यानी कि सी कोण के लिए ज्ञात कर रहे हैं। तो जो ये संबंध होगा, उस ये जो नाम होगा, इसके सामने इसको लिखना आवश्यक है। जब तक ये नहीं लिखेंगे, तब तक हमें पता ही नहीं चलेगा कि ये मुखिया है कि ये मुखिया है। चलेगा क्या पता भाई? अगर मान लिया जाए कि यही का यही त्रिभुज है, अगर मैं इस कोण की बात करता हूँ, मैं अगर थोड़ी देर के लिए इस कोण को थीटा मान लेता हूँ, तो आर्यभट्ट ने क्या बोला था कि थीटा के सामने वाली भुजा लंब, और थीटा और 90 अंश के बीच की भुजा आधार, और सबसे बड़ी भुजा कर्ण। अगर ये थीटा होगा तो ये भुजाओं के नाम आपस में बदल जाएंगे। तो आपको ये पता चलना चाहिए कि थीटा ये है कि ये वाला कोण है, इसीलिए थीटा को यहाँ पर मेंशन करना जरूरी है। आप थीटा लिख सकते हैं, या तो फिर ये कोण कोण है सी है, तो आप यहाँ पर सी भी लिख सकते हैं। जो भी लिखना है, मैं अभी यहाँ पर थीटा लिख देता हूँ। थीटा का मतलब ये हुआ, ये जो थीटा है, थीटा ऐसा बोला जाता है इसको, थेटा, थीटा बोलते हैं, प्रोनाउंसिएशन इसका थीटा है, लिखा ऐसा जाता थेटा। अब आप बोलोगे कि ये क्या है, तो एक्चुअली एक जो थीटा है, ये ग्रीक वर्ड है। कौन सा? ग्रीक वर्ड है, और ग्रीक वर्ड से उठाया है इसको, ग्रीक की जो अल्फाबेट्स है वहाँ से उठाया है। इसका मतलब ये है कि ये कोण की माप को दर्शाता है, कि कितने अंश का कोण है, इस माप को ये दर्शाने का काम करता है, इसीलिए हमने यहाँ पर थीटा का मेंशन कर दिया। चलिए ठीक है। दूसरे संबंध का नाम दिया, पहले संबंध को बोला कि इससे ये संबंध, दूसरा संबंध दिया इससे ये, और उसका नाम दे दिया कोटिज्या, ज्या कोज्या, सॉरी क्या, ज्या कोज्या, और कोज्या को इंग्लिश में बोला जाता कोसाइन, कोसाइन, और इसके साथ में भी हम थीटा लिख देंगे। तीसरा संबंध बनाया, तीसरा अनुपात इसका इससे, और उसका नाम दिया टेंजेंट, और इसका नाम क्या दे दिया, स्पर्शज्या, स्पर्श
जा, और टेंजेंट बोला जाता है इसको, टेंजेंट। आप बोलेंगे कि सर जब ये वाले नाम आप लिख रहे हैं तो इसको लिखने की क्या आवश्यकता है, तो मैं आपको बता दूं कि कई बार एग्जाम में आपको स्पर्श या की बात की जाती है, कोज्या की बात की जाती है, ज्या की बात की जाती है, तो आपको मालूम होना चाहिए कि इसका अर्थ क्या है, किसको बोला जाता है स्पर्श या। इसका इससे संबंध हो गया, अब इसका इससे हो गया, अब इसका इससे, तो उसको बोला जाता है कोटि स्पर्श या, कोटि स्पर्श जा, कोटि स्पर्श जा। और इसको बोला जाता कोटेंजेंट, कोटेंजेंट। और इसके बाद में व्यू, व्यू कोज्या, अगला नाम दिया व्यू कोज्या, और उसका अगला नाम दिया व्यू जा, व्यू जा। तो ऐसे छह संबंध बनाए, व्यू कोज्या को बोला जाता है सेक, क्या बोला जाता है सेकेंड। और इसके साथ में भी थीटा लगाएंगे, थीटा सभी के साथ में हमें लगाना है, और इसको बोला जाता है को सेकेंड, को सेकेंड, और इसके साथ में भी थीटा लगाते थे। मैंने अभी अभी आपको ये बताया था कि आर्यभट्ट जी ने ये सारे नाम दिए, इसके बाद समय के चलते इसका ट्रांसलेट हुआ, और ट्रांसलेट होने के बाद में एडमंड गुंटर ने और कुछ जोनस मुरे ने इसको शॉर्टकट में किया, कि इतने बड़े बड़े नाम, मज़ा नहीं आ रहा, इतने बड़े बड़े नाम, इन नामों को बार बार लिखना पड़ता है, तो क्यों ना इन नामों को छोटा किया जाए। तो एडमंड गुंटर ने, कुछ जोनस मुरे ने इन नामों को छोटा किया, और छोटा कैसे किया, साइन है तो इसको एस आई एन के नाम से प्रदर्शित किया, और ये साइन थीटा, तब से साइन थीटा हो गया। इसी के बाद में कोसाइन जो है उसको कास के नाम से प्रदर्शित किया, कास थीटा। टेंजेंट इतना बड़ा नाम है, लिखने में हमें समस्या जाती है, तो इसका नाम दे दिया टेन थीटा, और इसका नाम दे दिया कॉट थीटा, इसका नाम दे दिया सेक थीटा, और इसका नाम दे दिया कोसेक थीटा, कोसेक थीटा। इस प्रकार से इसका एक इतिहास रहा है कि पहले इस प्रकार से नाम दिए, फिर उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किए, फिर उसके बाद में उसका शॉर्ट फॉर्म कर दिया गया। लेकिन ये सारे विचार जो उत्पन्न हुए वो आर्यभट्ट के ही माने जाते हैं, और आर्यभट्टम जो आर्यभट्ट का ग्रंथ है उसमें इनका सबका सबके प्रमाण उपलब्ध है। तो आप देख सकते हैं कि उन्हीं की उत्पत्ति थी ट्रिग्नोमेट्री को स्टार्ट करने की, और इसके बाद में शॉर्ट फॉर्म यहाँ पर हो गए। चलिए ठीक है, जिस प्रकार से यहाँ जो संबंध थे, भाई नाम तो पता चल गया, पिता माता पुत्र बालक पति पत्नी, ऐसे तो नाम आपको मिल गए, लेकिन किस किस नाम का मतलब क्या होगा। तो आर्यभट्ट जी ने ये बोला था कि इसका अर्थ होगा साइन थीटा का लंब बटे कर्ण, क्या होगा लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। कास थीटा का मतलब होगा आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। और टेन थीटा का मतलब होगा लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। और कॉट थीटा का, ये तीन संबंध तो दे दिए, फिर इन्होंने बोला कि भैया ये स्पर्श और स्पर्श जार, कोटि स्पर्श जा है ना, ये एक दूसरे के विपरीत होते हैं। जैसे यहाँ देखिए ना, इसका ये बालक है तो बालक का ये कौन है पिता है, इसकी ये पत्नी है तो इसके ये कौन है पति है। जैसा इधर से संबंध है इसका उल्टा भी संबंध होता है, तो उल्टा संबंध क्या किया, स्पर्श जा का जो संबंध है कोटि स्पर्श जा बना दिया। कहने का मतलब इसको पलटा देंगे तो ये बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा, आधार बटे लंब। और सेक थीटा का इसको पलटा दिया तो सेक थीटा बन गया, मतलब कास को पलटा देंगे तो ये बन जाएगा कर्ण बटे आधार।
और जा साइन थीटा का हो जाएगा व्यू जा, मतलब कर्ण बटे लंब, ये हो जाएगा कर्ण बटे लंब। तो इतनी बात समझ में आ गई, मतलब हमें ये बात पता चली कि त्रिकोणमितीय जो अनुपात है, त्रिकोणमितीय जो अनुपात है वो त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होते हैं। तो हम बोलेंगे कि त्रिकोणमितीय अनुपात जो है वो ये है, ये है, और ये सारे अनुपात हमें मालूम होना चाहिए और इसका फुल फॉर्म भी मालूम होना चाहिए। क्यों? क्योंकि इसकी जरूरत हमें पड़ती है। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है वस्तुनिष्ठ में, प्रश्न पूछा जाता है कि बताइए कि टेन का फुल फॉर्म क्या है, तो टेंजेंट आपको मालूम होना चाहिए, और अगर हिंदी में पूछा जाए स्पर्श या मालूम होना चाहिए आपको, ठीक है। चलिए अब हमें त्रिकोणमिति जो अनुपात प्राप्त हो गए वो ये है, और इसको हमें अच्छे से याद रखना है। इन सारे त्रिकोणमिति को अनुपात को हमें अच्छे से याद रखना है। तो याद रखने का तरीका बड़ा आसान है, याद रखने का तरीका बड़ा आसान है। ये बन गया पहला नंबर, ये बन गया दूसरा नंबर, ये तीसरा नंबर, चौथा, पांचवा और ये छठवा। आपको केवल इतना मालूम होना चाहिए कि टेन थीटा का व्युत्क्रम कोण होता है कॉट थीटा, मतलब इसको पलटा दिया तो ये आ गया, इसका उल्टा क्या होता है ये होता है। अगर इसको पलटा दिया जाए, देखिए कर्ण बटे आधार हो गया और इसका उल्टा हो गया, ये ऐसा होता है। अब याद कैसे रखेंगे? तो याद रखने का तरीका बड़ा आसान है। पहला काम तो ये है कि आपको इसका आर्डर मालूम होना चाहिए, यानी कि क्रम मालूम होना चाहिए। साइन के बाद कास आता है, कास के बाद टेन आता है, टेन के बाद कॉट आता है, कॉट के बाद सेक आता है, सेक के बाद कोसेक आता है। साइन कास टेन कॉट सेक कोसेक, कैसा कम से कम 20 बार बोलिए आप, साइन कास टेन कॉट सेक कोसेक, साइन कास टेन कॉट सेक कोसेक, यानी कि आपको ये क्रम का एक निश्चित जो क्रम है, ये निश्चित क्रम में ये मान मालूम होना बेहद जरूरी होगा, तभी हम इसके सूत्रों को बहुत अच्छे से याद रख सकते हैं। देखिए अब इसको याद रखने का तरीका ये है कि लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का, और भी कई सारे तरीके, सब अलग अलग तरीका यूज करते हैं। लाल बटे कक्का बड़ा आसान सा काम है, ऐसा हम याद रख सकते हैं इसको। लाल का मतलब क्या हुआ? यल का मतलब हो गया लंब, ए का मतलब हो गया आधार और यल का मतलब हो गया लंब, के का मतलब कर्ण, के का मतलब कर्ण और ए का मतलब आधार, ऐसा हो गया। सबसे पहले कौन है आपको इसका क्रम मालूम है ना, साइन थीटा, सबसे पहले कौन है साइन थीटा, फिर कौन है कास थीटा, फिर कौन है टेन थीटा, क्रम से लिख दो आप टेन थीटा, ऐसा चल रहा है, हम पूरा एक राउंड लगाएंगे। फिर उसके बाद में कौन है कॉट थीटा, फिर कौन है सेक थीटा और फिर कौन है कोसेक थीटा। लो फार्मूले याद कैसे, साइन थीटा आप इधर देखते हैं ना, बराबर बन रही ने, साइन थीटा बराबर से लंब बटे कर्ण, कास थीटा बराबर से आधार बटे कर्ण और टेन थीटा बराबर से लंब बटे आधार, कॉट थीटा बराबर से ये आधार बटे लंब, सेक थीटा बराबर से कर्ण बटे आधार और कोसेक थीटा बराबर से कर्ण बटे लंब, बन गए पूरे फार्मूले। तो याद रखने में कुछ माथा पच्ची करना है क्या? नहीं, याद रखने के लिए बहुत ज़्यादा ऐसी कोई माथा पच्ची इसमें नहीं करना है, हमें ये फार्मूले याद हो चुके हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जब भी ये फार्मूले आएंगे, जब भी ये फार्मूले आएंगे, इन फार्मूलों को याद रखने के लिए आपको ये वाला स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। तो आप बोलेंगे बिल्कुल बनाना पड़ेगा, जब हम क्वेश्चन करते हैं तो वहाँ पर दो दो तीन तीन फार्मूले यूज़ होते हैं, और एग्ज़ाम में अगर ऐसा टाइम बर्बाद करेंगे तो फिर हमारा तो आधा पेपर ही रह जाएगा, ठीक है ना। और ख़ास करके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में तो बिल्कुल तुरंत याद आना चाहिए, टाइम बर्बाद नहीं होना चाहिए, और टेंथ क्लास में भी, इलेवन ट्वेल्थ क्लास में भी डायरेक्ट फार्मूला याद आना चाहिए। तो
मैंने इन फार्मूलों को कैसे याद रखा, इस बात को आप देखिए। बड़ा सिंपल सा मामला है, बड़ा सिंपल सा मामला है, इसको आप भी यूज़ कर सकते हैं। आपको ये समकोण त्रिभुज दिखना चाहिए। कैसे दिखना चाहिए, मैं नाम दे देता हूँ, टेम्प्रेरी कुछ भी नाम दे देता हूँ, ए बी सी नाम दे दिया, और ये थीटा है, और ये कोण हो गया आधार हो गया, और थीटा के सामने वाली भुजा क्या हो गई, लंब हो गई, और सबसे बड़ी भुजा क्या हो गई, कर्ण हो गई। ये लंब हो गया और ये आधार हो गया। आपको सूत्र मालूम होना चाहिए, मतलब इसका क्रम मालूम होना चाहिए। साइन कास टेन काट सेक कोसेक, साइन कास टेन काट सेक कोसेक, साइन कास टेन काट सेक कोसेक। सबसे पहले कौन, साइन, सबसे पहले कौन, साइन, सबसे पहले इसके बटे में ए, यानी कि लंब बटे कर्ण, साइन थीटा लंब बटे कर्ण। तो साइन का उल्टा कौन है, कोसेक, देखिए तो कोसेक थीटा क्या हो जाएगा, कर्ण बटे लंब हो गया। मतलब आपको ऐसा सूत्र याद रखने का, आपको स्ट्रक्चर दिखना चाहिए ऐसा, मुझे दिखाई देता है, मुझे दिखाई देता है, लंब है, आधार है, ये कर्ण है, साइन थीटा इसके बटे ये, साइन थीटा इसके बटे ये, कोसेक थीटा इसके बटे ये, हो गया ना याद। साइन का उल्टा कोसेक, साइन थीटा लंब बटे कर्ण, कोसेक थीटा कर्ण बटे लंब, हो गया याद। ये दो फार्मूले याद हो गए, मुझे दिख रहा भैया ये लंबवत है ना, परपेंडिकुलर है, और ये आधार है। दूसरा क्या है, साइन थीटा हो गया, फिर क्या है, कास थीटा, कास थीटा इसके बटे ये, यानी कि आधार बटे कर्ण। तो कास का उल्टा क्या होता है, कोसेक होता है, सेक थीटा कर्ण बटे आधार उल्टा, साइन थीटा इसके बटे ये, कोसेक थीटा इसके बटे ये, टेन कास थीटा इसके बटे ये, और सेक थीटा इसके बटे ये, पहले ऐसा फिर ऐसा फिर इधर टेन थीटा लंब बटे आधार। देखिए टेन थीटा लंब बटे आधार, और टेन का उल्टा कौन होता है, कॉट, तो कॉट क्या होगा, आधार बटे लंब। साइन थीटा कोसेक थीटा, कास थीटा सेक थीटा, टेन थीटा कॉट थीटा, बस हो गया याद। तो इस स्ट्रक्चर से तो आपको तो दिख रहा ना भाई, आपको ये ऐसा बनाने की जरूरत थोड़ी है। मुझसे पूछा जाए, अच्छा सर ये बताइए साइन थीटा लंब बटे कर्ण, कोसेक थीटा बोला जाए कर्ण बटे लंब, कास थीटा आधार बटे कर्ण, और सेक थीटा कर्ण बटे आधार, टेन थीटा लंब बटे आधार, और कॉट थीटा आधार बटे लंब। इस लेवल पर आपको याद होना चाहिए। ये ट्रिक व्रिक यहाँ पर काम नहीं करेगी, ट्रिक तो काम कर ही रही, मैंने एक ट्रिक भी बताई है, और उस ट्रिक से आपको रटने की भी जरूरत नहीं है। लेकिन जब हम एग्जाम में क्वेश्चन करते हैं, और वहाँ पर जब फार्मूले की आवश्यकता होती है, तो क्या होता है, जब फार्मूले की आवश्यकता होती है तो हम फार्मूला ही भूल जाते हैं, और या तो फिर वो सारा ट्रिक यूज़ करेंगे हम, और उसमें टाइम बर्बाद होता है। अब ध्यान देना, मुझे एक बात बताइए, साइन थीटा बराबरी से है लंब बटे आधार, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, और कोसेक थीटा बराबर से कर्ण बटे लंब है। हाँ बिल्कुल सही बात है, कर्ण बटे लंब है। तो ये दोनों फार्मूले एक दूसरे के विपरीत है कि नहीं, विपरीत है ना, हाँ विपरीत है। तो हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि साइन थीटा का मान जो होता है, इसका व्युत्क्रम होता है कोसेक थीटा का। ऐसे ही कास थीटा जो है, कास थीटा का व्युत्क्रम कौन होता है, देख लो कास थीटा किससे कनेक्ट है, ये है ना, ये ऐसा कनेक्ट कर दिया ना मैंने, तो ये किससे जुड़ा हुआ है, सेक थीटा से है, तो एक बटे सेक थीटा। टेन थीटा जो है वो एक बटे कॉट थीटा, और कॉट थीटा बराबर से क्या हो जाएगा, तो आप समझ गए होंगे एक बटे टेन थीटा होगा। ऐसे ही सेक थीटा
बराबरी से एक बटे सेक थीटा कास थीटा हो जाएगा, और कास थीटा सॉरी कोसेक थीटा बराबर से एक बटे साइन थीटा। ये तो आपको दिख ही रहे क्लियर। देखिए ना, साइन का उल्टा कोसेक, साइन थीटा बराबर से कोसेक थीटा, कोसेक का उल्टा साइन, कोसेक थीटा बराबर से एक बटे साइन थीटा, कास थीटा एक बटे सेक थीटा एक बटे कास थीटा, टेन थीटा एक बटे कॉट थीटा एक बटे टेन थीटा। तो हमारे पास में छः फार्मूले ये है, और छः फार्मूले फिर से ये बन गए, 1, 2, 3, 4, 5 और ये छः फार्मूले बन गए फिर से। अब आप देखिए जरा गौर से इन सूत्रों को जरा गौर से देखिए कि साइन थीटा का मान क्या होता है, तो लंब बटे कर्ण होता है, लंब बटे कर्ण होता है। और कास थीटा का मान कितना होता है, तो आप बोलेंगे कि आधार बटे कर्ण होता है ना। अगर मैं साइन थीटा को कास थीटा से भाग दे दूं, यानी कि इसको इससे भाग दे दूं, तो ये कर्ण से कर्ण कैंसिल हो गया। या तो आप पलटाने के बाद कैंसिल करो, ये कर्ण ऊपर जाएगा, कर्ण से कर्ण कैंसिल हो गया, तो हमारे पास बचेगा लंब बटे आधार। और लंब बटे आधार किसका सूत्र है, देखिए लंब बटे आधार किसका सूत्र है, टेन का सूत्र है। तो ये किसका बन गया, सूत्र बन गया टेन थीटा। कहने का मतलब टेन थीटा बराबरी से होता है साइन थीटा बटे कास थीटा, और कॉट थीटा होता है कास थीटा बटे साइन थीटा। अब आप बोलेंगे कि सर आप तो फार्मूले बनाते जा रहे हैं, याद रखने की तो कोई टेक्निक बता ही नहीं रहे, तो बड़ा आसान काम है, याद रखना बड़ा आसान काम है। सबसे पहले कौन आता है, साइन थीटा, फिर कौन आता है, कास थीटा, फिर कौन आता है, टेन थीटा, और फिर आता है कॉट थीटा, और फिर सेक, और फिर कोसेक आता है। बन गया फार्मूला, कैसे बन गया, साइन थीटा बटे कास थीटा बराबर से टेन थीटा। लगातार साइन थीटा बटे कास थीटा बराबर से टेन थीटा, लगातार ही तो बोल रहा हूँ मैं, क्या किया मैंने, साइन थीटा बटे, अरे साइन कास टेन कॉट सेक कोसेक, तो आपको क्रम तो मालूम है कि नहीं, साइन थीटा बटे कास थीटा बराबर से टेन थीटा, और कॉट थीटा इसको पलटा देंगे तो कॉट थीटा, क्योंकि ये दोनों तो एक दूसरे के विपरीत होते ही नहीं, इसको पलटा देंगे तो कॉट थीटा, कास थीटा बटे साइन थीटा बराबर से कॉट थीटा, हो गया याद, साइन थीटा बटे कास थीटा बराबर से टेन थीटा, और इसको पलटा दिया तो कॉट थीटा। तो ये वाले भी सूत्र हमें यहाँ पर याद हो चुके हैं। तो हमने जो सूत्र ज्ञात किए, इनको बोला जाता त्रिकोणमितीय अनुपात, त्रिकोणमितीय अनुपात, क्या बोला जाता है, अनुपात, ये वाले सूत्रों को, इन सूत्रों को बोला जाता त्रिकोणमितीय अनुपात का व्युत्क्रम है ना उल्टा, और इसको बोला जाता त्रिकोणमितीय अनुपात के बीच में संबंध, त्रिकोणमितीय अनुपात के भी अनुपातों के बीच में संबंध, साइन और कास के बीच में संबंध होता है ऐसा, और कास और साइन के बीच में संबंध होता है ऐसा। तो क्या आपको ये सारे फार्मूले याद हो गए, और यदि याद हो गए तो अगली क्लास में, अगले वीडियो में हम इसके त्रिकोणमिति के नेक्स्ट लेवल पर चलेंगे, और अगले फार्मूलों को कैसे याद रखना है, कैसे उसको अप्लाई करना है, ये सारी बातें हम यहाँ पर समझने वाले हैं। लेकिन यहाँ पर इस त्रिकोणमिति अनुपात के सूत्रों का उपयोग कैसे किया जाता है, इस बात पर भी हम यहाँ डिस्कशन करेंगे।
मान लिया जाए कि मेरे पास में एक समकोण त्रिभुज है ए बी और सी, एक समकोण त्रिभुज है और आपको दिया हुआ है कि ए बी का मान 4 सेंटीमीटर है या 3 सेंटीमीटर लिख देता हूँ मैं, 3 इकाई है ए बी का मान और बी सी का मान 4 इकाई है, 4 इकाई 4 सेंटीमीटर ही मान लो, चाहे ये 3 सेंटीमीटर है 4 सेंटीमीटर है। तो ये समस्त त्रिकोणमिति अनुपात ज्ञात कीजिए, साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक इनके सबके मान ज्ञात कीजिए। देखना आपसे बोला जाएगा कि साइन थीटा का मान ज्ञात कीजिए, कॉस थीटा का मान ज्ञात कीजिए, टेन थीटा का मान ज्ञात कीजिए, सेक थीटा कॉट थीटा का मान ज्ञात कीजिए, कॉट थीटा और सेक थीटा और कोसेक थीटा, मैंने थीटा थीटा अभी नहीं लिखा। अब मुझे एक बात बताइए कि इस त्रिकोणमिति अनुपात में ये तो 90 अंश, ये समकोण त्रिभुज में तो 90 अंश का कोण है, आपसे परीक्षा में पूछा जाएगा साइन का मान ज्ञात कीजिए, ऐसा कभी नहीं पूछा जाएगा। क्या बोला जाएगा? साइन, और यहाँ पर कुछ लिखा जाएगा कि या तो ये वाला न्यून कोण लिखा जाएगा या तो ए वाला न्यून कोण लिखा जाएगा, और मान लिया जाए कि यहाँ पर आपसे सी का मान पूछा है, सी का मान ध्यान देना, इधर आपसे बोला है कि साइन सी का मान, कॉस सी का मान, टेन सी का मान, कॉट सी का मान, सेक सी का मान और कोसेक सी का मान ज्ञात कीजिए। तो बड़ा आसान काम है कि आपने क्या किया, जैसे त्रिकोणमिति अनुपात के साथ में सी लिखा है तो इस सी कोण को आपने क्या किया, ऐसा न्यून कोण बना दिया, तो इसके सामने वाली भुजा क्या कहलाएगी, लंब कहलाएगी। इस बात का आपको खास करके ध्यान देना है, जो त्रिकोणमिति अनुपात के साथ लिखा है उसके सामने वाली भुजा कौन है, ए बी है। अगर यहाँ पर मान लिया जाए ये लंब है, अगर यहाँ पर मान लिया जाए ए लिखा होता तो ए के सामने वाली भुजा कौन है, ये है, यहाँ पर ए लिखा होता तो फिर ए लंब बनता, अभी लंब कौन है, ए है, तो आधार कौन होगा, ये वाला होगा, और कर्ण हमेशा सबसे बड़ी भुजा होती है। अब आप बोलेंगे कि साइन थीटा का मान क्या होता है, तो साइन थीटा का मान और इसके जो सूत्र है ये हमें यहाँ पर सूत्र मालूम है, यहाँ पर हमें सूत्र मालूम है ना, तो मैं ये सूत्रों को वहाँ पर पहुँचा देता हूँ। इनके ये सूत्र है हमारे पास में, ठीक है ना, ये सारे के सारे क्या है, इसके सूत्र है, इसको थोड़ा सा छोटा भी करना पड़ेगा ताकि वहाँ तक सेट हो जाए। ये सारे मान होते हैं इसके, साइन थीटा वगैरह से लंब बटे कर्ण का आधार बटे, और ये इसके सूत्र होते हैं। देखिए ये मेरे पास में सूत्र है। अब आप बोलेंगे कि मुझे लंब का तो मान मालूम है, आधार का भी मान मालूम है, लेकिन कर्ण का मान नहीं मालूम, और दुनिया में जब भी या हमारे जीवन में जब भी समकोण त्रिभुज दिया है और उसकी दो भुजाओं के मान मालूम है और तीसरी भुजा नहीं मालूम, तो हमेशा हमेशा पाइथागोरस प्रमेय को ही यूज़ किया जाता है। किसको? पाइथागोरस प्रमेय को ही यूज़ किया जाता है। मतलब हम क्या करेंगे, यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, और पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, कर्ण का वर्ग, कर्ण का वर्ग मतलब ए सी का वर्ग बराबर से आधार का वर्ग, कौन है, बी सी का वर्ग धन लंब का वर्ग, ये आपको सूत्र मालूम होना चाहिए, सबसे बड़ी भुजा का वर्ग बराबर से दोनों छोटी भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है, ए सी का स्क्वायर बराबर से बी सी का मान कितना है, 4 का स्क्वायर, और ए बी का मान कितना है, 3 का स्क्वायर, तो 4 चौक 16 और 3 3 9, तो ए सी का वर्ग, तो ए सी का मान कितना हो जाएगा, 25, ए सी का वर्ग, तो ए सी बराबर से हो जाएगा 5, धन ऋण 5 होता है, लेकिन ये लंबाई है इसलिए हम केवल 5 सेंटीमीटर, ये हो गया यहाँ पर 5 सेंटीमीटर। अब देखिए सूत्र में मान रख दो,
साइन सी क्या होगा, लंब बटे कर्ण, लंब कोण है 3 और कर्ण कोण है 5, तो 3/5, ये लो प्रश्न ही हल हो गया। आधार बटे 4/5, लंब बटे आधार 3/4, आधार बटे लंब यानी कि 4/3, कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार मतलब 5/4, और कर्ण बटे लंब मतलब 5/3, 5/3, और ये आ गए हमारे आंसर। क्यों, इतना सा काम है, ठीक है ना। तो ऐसे हम प्रश्नों को हल कर सकते हैं, चाहे कोई प्रतियोगी परीक्षा का प्रश्न हो, चाहे 9th 10th क्लास का हो, कोई भी क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। तो मिलेंगे हम अगली क्लास में, अगले वीडियो में नए फार्मूलों के साथ, और त्रिकोणमिति के और भी कई सारे हम फार्मूले यहाँ पर बनाना सीखेंगे और उसको अप्लाई करना यहाँ पर सीखेंगे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।